वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 24 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू बी डिस्प्लेड इन थाईलैंड। जो लॉर्ड बुद्धा के अवशेष थे, ठीक है, उन्हें थाईलैंड में डिस्प्ले किया जाएगा। प्रेजेंटली कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहां पे वो है। तो वहां से इन अवशेषों को, इन रेलिक्स को ले जाया जाएगा कहाँ पे? थाईलैंड में। अब इस काम को करने के लिए, इन रेलिक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए 22 मेंबर की एक कमेटी, एक डेलीगेशन बनी है जिसके लीडर होंगे, मतलब जिसको लीड किया जाएगा बाय बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है जी। सेकेंड न्यूज अगर हम देखें तो स्काई रूट ने क्या किया है, कल्पना स्कॉलरशिप ऑफर की है वुमेन स्पेस इंजीनियर्स को। अब सबसे पहले स्काई रूट है क्या? तो लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने कल्पना स्कॉलरशिप दी है। अब कल्पना स्कॉलरशिप, इसका नाम कल्पना किसके नाम पे है? कल्पना चावला के नाम पे, एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द लेगेसी ऑफ एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। तो स्काई रूट ने कल्पना स्कॉलरशिप वुमेन स्पेस इंजीनियर्स को प्रोवाइड करवाई है। ठीक है जी। थर्ड न्यूज अगर हम देखें तो 119th कंट्री टू ज्वाइन ISA। ISA है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA को ज्वाइन करने वाली 119 यानी 119th कंट्री कौन सी बनी है? तो माल्टा बनी है। माल्टा कहाँ पे है? एक आइलैंड कंट्री है, मेडिटेरियन सी में है, यूरोप में लोकेटेड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे माल्टा तो हमने देख लिया कि 119th ये कंट्री बनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें ISA के बारे में, तो देखिए पहली चीज़ तो मैंने स्टैटिक जीके में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है ISA के बारे में। नहीं आपने वीडियो देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। टोटल 99 वीडियोज़ वहाँ पे हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक चीज़ कवर की है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नहीं अगर आपने देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ बेसिक सा हम डिस्कस करेंगे। इन डिटेल ऑलरेडी मैं स्टैटिक जीके में पढ़ा चुकी हूँ। सो ISA जो है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में लॉन्च किया गया था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया था, उनका ये आइडिया था। कहाँ पे? एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ISA के? गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम में है NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। चलिए ये तो हमने वन लाइनर टाइप चीज़ें पढ़ ली, हेडक्वार्टर्स क्या हैं एंड सब कुछ फॉर्मेशन, बट ये ISA है क्या? तो देखिए इसमें मेनली टारगेट किया गया, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, बीच में हमारा आता है इक्वेटर, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा जो सन होता है ना, वो सिर्फ इसी एरिया में यहीं पे घूमता है, इससे ऊपर नहीं जाता, इससे नीचे भी नहीं जाता, इससे नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नहीं जाएगा। तो सन की मूवमेंट होती है यहाँ पे। अब इस लोकेशन में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो भी कंट्रीज फॉल करती हैं या इनकी इधर आती हैं, उन्हें सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। तो अब टारगेट ये है कि सोलर एनर्जी अबंडेंस में है, बहुत सारी अवेलेबल है ना, तो सोलर एनर्जी को यूज करो और अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे कम करो। जैसे कि घर पे सोलर पैनल लगा लो, है ना, सोलर पैनल लगाएंगे तो आपके घर की जो खपत है वो खुद से सोलर पैनल से निकल जाएगी, कुछ आप बेच भी सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या है कि आपकी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे कम हो रही है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें। नाउ अब यहाँ पे एम थोड़ा सा देख लें, टू वर्क फॉर द एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो आप सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का। किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। क्यों? जो इन्होंने काम किया है इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को स्ट्रांग करने में, इसलिए। सो याद रखना है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का, जो कि शशि थरूर को दिया गया है इन रिकग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स टू डीपन इंडो फ्रेंच टाइज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, जीवन रक्षा पदक 2023 के लिए श्री शशिकांत कुमार को दिया गया है, जो कि RPSF के एक कांस्टेबल हैं,
आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के एक कांस्टेबल है। अब ये जो 2023 के लिए जीवन रक्षा पदक दिया गया, ये दिया गया रिपब्लिक डे 2024 के ओकेजन पे। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं, है ना, तो उनके द्वारा ये दिया गया। क्यों? फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ फीमेल रेलवे पैसेंजर। इन्होंने एक फीमेल रेलवे पैसेंजर की लाइफ बचाई, एकदम से रिएक्ट किया। अदरवाइज होता है ना कि कुछ आपके सामने दुर्घटना हो रही हो, हम सोच ही नहीं पाते, हमारा माइंड एक्ट ही नहीं कर पाता, तो इन्होंने बिल्कुल प्रॉम्प्ट एक्शन दिया, तो उसके लिए इन्हें ये पदक दिया गया है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट अगर हम देखें, पंजाब के स्टेट आइकन फॉर लोकसभा पोल्स कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। किन्होंने इनको अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा? बाय पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा इन्हें इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है ना। अब ही विल एंगेज इन वेरियस कैंपेन्स एम्ड एट वोटर अवेयरनेस टू इंश्योर अ वोटिंग परसेंटेज ऑफ 70%। लोगों को वोटिंग के फायदे बताना कि आपका एक एक वोट कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है ना। इससे क्या होगा, अगर हर एक लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, सभी वोट करेंगे, अदरवाइज लोग इतना सीरियस नहीं लेते वोटिंग को कि एक वोट से क्या ही होगा, है ना, कितना फर्क पड़ सकता है वो सब बताना, एंड वोटिंग परसेंटेज एटलीस्ट 70% इंश्योर करना, ये इनका काम है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरी, कोई नहीं पूछता। पंजाब स्टेट आइकन फॉर लोकसभा पोल्स कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, सेवन्थ पॉइंट अगर हम देखें, स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया। इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने वाले स्टेशन है? जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, जहां पे पेट्रोल हम भरते हैं कार में, व्हीकल्स में, बस में, है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने वाले स्टेशन, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे ज्यादा कर्नाटका में खुल चुके हैं, ये डेटा है एज पर बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, एट पॉइंट क्यों चलते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक फटाफट से कर दें। एट पॉइंट हमारा है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, हम कभी किसी वीडियो में से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस है, क्या क्या आउटकम्स है। फिलहाल क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए गोवा गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, मोबिलाइजिंग कंसेशनल फाइनेंस। मतलब अब गोवा गवर्नमेंट जो भी करना चाहे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वो इनिशिएटिव लेकर आ सकता है, वर्ल्ड बैंक उसमें हेल्प करेगा, फाइनेंसेस प्रोवाइड करवाएगा कंसेशनल रेट पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, है ना, या नेग्लिजिबल के अराउंड होगा, इस तरह से। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट, बट वेट, अभी हमें थोड़े से पॉइंट्स और पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का नाइन्थ पॉइंट है, फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल। हर घर जल साफ पहुंचेगा 100%, यानी हर एक घर में साफ पानी, पीने का पानी पहुंचेगा, इस स्टेट को अच्छी तरह से अचीव करने वाली इंडिया की पहली नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इंडिया की पहली ओवरऑल नहीं, नॉर्थ ईस्ट सिचुएटेड स्टेट, तो वो बनी है अरुणाचल प्रदेश। ओवरऑल अगर बात करें पूरे इंडिया में हर एक पार्ट की अगर बात करें, तो ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश का रैंक है कि 10th स्टेट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली स्टेट है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो पढ़ना है ढंग से कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है? गोवा बनी है। अब यहाँ पे हर घर जल की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को एक्चुअल में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है। एंड ये इस मिशन का एम क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग ग्रामीण इलाकों में इम्प्रूव की जा सके। लाइफ की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? साफ पानी पीने को मिल रहा है, बहुत दूर से पानी के मटके या बाल्टियां भर के लाने पड़ रहे हैं, है ना, महिलाओं को। ईज ऑफ लिविंग, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी अगर घर में आपके टैप से ही पानी आ रहा है, वो भी साफ पानी आ रहा है। ठीक है, बाय मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2024। टारगेट ये है कि 2024 तक पूरे देश में हर जगह, हर ग्रामीण इलाके में, हर एक घर में टैप वाटर साफ पीने का पहुंचना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बहुत इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। 10th पॉइंट हमारा आता है नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर, कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन एंड ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। अब समझने वाला कुछ है इसमें? नहीं है। कहाँ पे हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, थीम क्या रहा? थीम रहा नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्थ एंड एनवायरमेंट।
इलेवन पॉइंट अगर हम देखें, फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ द कंट्री, स्किल इनिशिएटिव्स या वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी स्किल एनहांसमेंट के लिए। तो इस तरह का इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर खोला गया है संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब देखिए, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। और लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, एक तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे जनरल साइंस के अलावा। ठीक है, तो नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे एंड जो भी डिटेल्स हैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए, आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स अमंग कंट्रीज। नॉलेज को कैसे शेयर करें, डिजिटल हेल्थ प्रोडक्ट्स जो हैं कंट्री में कैसे शेयर करें, उस सब के ऊपर ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, कोई नहीं पूछता क्या है, क्यों है, किसने लॉन्च किया, क्या थीम रहा, कोई कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे हुई, इस तरह की चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना स्टार्ट करें, करंट अफेयर सेक्शन के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दो तीन क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।